पहली तीज पर लड़की घर जाती है, हम तीज पे इनको पहनने वाले हैं। और ये सब सामान है भाई, आपने देख लिया। तुम नु कहोगे जब ये तुम्हारी हो रही है। आज क्यों शो मैं ये ना पैक का मारवा एक हफ्ते में देख ली ना लग गया। वेलकम टू माई ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पे। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और अब आपसे आपको दिखेंगे घर वाले ब्लॉग्स। बहुत लोगों को ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद नहीं है, घर वाले ब्लॉग्स पसंद है, तो उनके लिए अच्छा टाइम आ गया है। और कुछ लोगों को ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद है, तो इसलिए हम बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों टाइप के ब्लॉग्स आपको दिखाते रहते हैं। तो आज वो दिन है कि मेरा सिद्धा आएगा कोथली मतलब, और वो हम सारे घूमने ही गए हुए थे इसलिए थोड़ा डिले हो गया था। 19 तारीख की तीज है तो कोथली आज मेरी आ रही है। आप सबको दिखाऊंगी कि कोथली में क्या क्या मेरे को मिला, तो बने रहिए व्लॉग में। तब तक घर में क्या चल रहा है वो दिखा देती हूँ। तो गाइज फाइनली हमारी फैंस भी लग गई, बस एंड में रहती है। कब लेके आए थे इनको और ये कब लग रही है, सारा कवर करवाएंगे इस साइड से भी इस साइड से भी, अब टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भैया लगे हुए हैं, हमारा एसी खराब हो गया, वो उतार रहे हैं। शाम में लगा जाओगे ना, शाम तक आप देख लिया, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। और फेंसिंग दिखा दी तुमने? फेंसिंग दिखा दी, अभी अभी दिखाई थी जस्ट, खोल दिया। हेलो हेलो, और तेरी दो बार करके लिया था सामान सारे, एक बार उठा लाया। कैसे क्या यू के है या तो गोला पट के आ गया ना, यू के है तो कुछ अलग चीज है। ओए ये तो वो है पाटड़ी। हां तीज के लिए झूले की पाटड़ी, तीन लगाऊंगे कि तुम्हारे तो जगह अभी ना। तीज है 19 को है, तीज पे पहली तीज पर लड़की घर जाती है। अरे घर आए तो माइके जुल्ला ठा के चल पड़ा। अच्छी है ना, फिर तो एक बात होता ये पार्टी तो यहाँ पे आ गई तेरी, फिर तू घर क्यों जाएगी? ये पाटड़ी मैंने इतना ना पता होया घर पर, इतना मेरा घर जाते हैं। हाँ हुआ तने पता है, पूरे सावन जाया कर है, और वो तो आजकल कोई पूरे सावन भेजता को नहीं, ना पूरे सावन रह कर है लड़की। दो महीने का अच्छी है, कल जाऊंगी घर रात को। कल घर जाएगी रात को, परसों तीज है, पूरे दिन वहीं रुक के नेक्स्ट डे मम्मी के साथ आ जाऊंगी यहाँ पे। देख एक साइड का लगान का दे रखा है, दूसरी साइड ना दे रखा। लस्सी में इससे छोटी सी समझ रहा है क्यों बांध का टांग दो। क्यों पहली तीज पाया था जुल्ला कल गई आई थी लस्सी, वेरी फनी। ये बना रही नु भी क्रश कर रहा है, मुझे लगता है रोहित हेलो कर दिया है जो मजाक कर रहा है। ऊं तो झूला लगाया ना, ऊं ऊं खेला है झूला तो शायद हो रहा है, वो भूल गया सॉरी। फिर सॉरी सॉरी रोहित, बाकी इतना ऊपर ना सर चलना होता भाई, मैं ना सुन गया ये तो कूद ये। अब नेक्स्ट टर्न है कनिका की, देखते हैं चल। हाँ बस हो गए तीन। तो गाइस ये पाटड़ी है, हर कनी का इस पर झूल लेगी, देखते हैं क्यों कर झूल लेगी। तो गाइस सारा सामान सेट कर दिया है, अब मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी भी आ गई है। ये हरियाणा है प्रधान अड़क का देवी लाइट जासक है। चलो मम्मी देखना शुरू करो। हाँ सेब और नाशपाती,
हाँ नाशपति भी कहते हैं, नाशपति भी हुआ है। हाँ बाबू गोसा वो ही कहूँ, बाबू गोसा सॉरी सॉरी हो भाई है। ये कड़े, ये चूड़ियाँ ग्रीन, इसके नीचे कौन सी चूड़ियाँ पाटड़ी पे तेरी मम्मी इतने हंस गए सारे, मैं मनीष और रोहित। ओ यू किसने बांधा, आपने बांधा यो चिंदू होता था ई पे बिठाते चिंदू ने। हाँ चिंदू आओगा नहीं, इसने इस पे बिठा के झुलाऊंगे। और इसमें कौन से कलर की चूड़िया है, अच्छा शगुन की रेड। चलो गाइस ये मेरा येलो सूट है जो आपने शूट में भी देखा होगा, ये हमने एडवांस में सिलाई है, मम्मी का सूट, हम तीज पे इनको पहनने वाले हैं इसलिए ये हमने एडवांस में सिलवा लिए थे। खोलना मम्मी, इसने दिखाना सूट ने। ये इसकी पैंट और ये सूट, इसको मैं तीज पे पहनने वाली हूँ। ये देखो सुंदर लग रहा है, हाँ गर्मी बहुत है, असल में हमने डबल इसलिए लगे हमारी लाइट जा रही है। यो मम्मी का सूट, जो बटे करवाई सब आजकल को तो नहीं। अच्छा ये खोल लेना पड़ेगा। अच्छा पहला सीधा बटे करे मम्मी कर हमेशा हरदम अच्छा तो मैं सोची शुरू शुरू की बट्टे फिर ना बटती। अच्छा ये वो मीठे वो पतासे बड़े बड़े नहीं बेरा बताई थी उनके उधर ज्यादा है रिवाज, रिवाज तक सारे कर लेकिन कही के मैं तो सीधे भी ना देते ना सीधा उस साइड मातन साइड सीधा ना देते मामी है ना मेरी उड़ी की इसमें। चलो यो वाला सूट दिखाते हैं गाइस, ये दुपट्टा है, खोलना मम्मी शूट करना रोहित। ये चुन्नी मम्मी ने इसलिए अच्छी लग गई, ये कई सूटा में चल सके, ये दूसरा सूट, ये फ्रॉक स्टाइल सूट है और ये उस पे दुपट्टा है। इसको बाद में भाई डबल यूज कर सकते हैं, इस बार जो गेवर मनीष लेके आया है भाई वो गौशाला में धारा है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। एक बार आप भी देखो यार, ये गौशाला है वो जहाँ से गेवर लिया है और गेवर देखो भाई खाने में तो बहुत ही सुंदर है। एक तो ये वाला, एक में इसके अंदर मावे का भी है, एक तो ये वाला है गाइस और एक मावे का है, ये रहा। बहुत अच्छा है खाने में यार, बहुत अंत टेस्ट आ रहा है। ये पापा की पैंट शर्ट, रोहित का लिफाफा आया हुआ है, रोहित अपनी पसंद के कपड़े लेगा इसमें से, क्योंकि वो कुछ भी लाते साइज खराब हो जाता है, इसलिए रोहित दिस इज फॉर यू। तो गाइस मैंने तो मम्मी से मना करी, मम्मी का फोन आया था कि अपना साइज बता दे, मगर कोई साइज नहीं, ना कोई कपड़े और ना कोई पैसे, हर टाइम ऐसे ले, लेकिन इन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम लेना होता है तो फिर ये जरूरी होता है। तो गाइस आई गॉट माय मनी और बताऊंगा ना कितने हैं। और ये सूट किसका किमी, कौन सा ये तेरे हाथ में है जो, ये मेरा सूट है। तो गाइस ये सारा सामान आया है आज कनिका के सिद्धे में और कोथली में। हाँ आपके कमेंट भी आ रहे थे भाई, सारे कमेंट आदम में अर्षा का सिद्धा देखा है ना, ना सॉरी कोथली देखा है, तब मैंने जो थंबनेल था उसमें लिखा था कि सिद्धा है अर्षा का, लेकिन कोथली बोलते हैं भाई, मम्मी ने भी ये बात बताई मेरे से उस दिन, ना बताई अरे बताई थी ना बताई सीधा
और गाइस ये सारा काम रात को 10 बजे किया जा रहा है। यस गाइस, आज क्योंकि हम निखिल का बेड़ा लेकर आए थे और बड़े शुक्र गुजार थी भाई, मैं आने के बाद फिर मैंने खोलना था ये मम्मी पसीने पूछती पूछती खोलना के लिए। और ये सब सामान है भाई, आपने देख लिया। अब खाने में क्या है, केवरा खाना पड़ेगा आज। सीधे आड़े दिन बाकी का मन तो आया करते, जब पहले मम्मा लेकर आया करते ना, तब आज तुम यही खा लो के और के शुरू से रोटी। अच्छा मेरी बिंदी खत्म हो गई, मेरी बिंदी आ गई। नहीं नहीं बिंदी बिंदी आ रही है ना, बिंदी कितनी क्यूट क्यूट है यार। छोरी किसी हो, देखिए बिंदी आ तेरा जी हो रही, मड़ी मड़ी बिंदी आ रही। सारे समण दे, मेरा तो पहले समण मार लिया दो बार यार। अच्छा भाई पहले मां मर जा बाहर से, हेलमेट लगा है ना सर पर, एक हाथ में पीले यार, वो जिसके भी नो सर में हेलमेट हाथ में केड़े होते समझ जाइयो भाई, मम्मा आ रहा है पहले नो। आजकल तो दुर्गाड़ी होने लगी भाई, पर पहले ऐसे ही आया करते। तो गाइस सुबह से इतना बिजी थे, अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। खाना भी नहीं खाया किसी ने हमारे इन चक्करों में, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं। और तो जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ, सब्जी और आटा वाटा सारा कर दिया था। फिर सोचा एक बार जब तक ये आटा ठीक हो रहा है और सब्जी ठंडी हो रही है, तब तक हम सीधा देख लेते हैं मतलब कोथली, और उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँ। तो गाइस पूरी पसीना में होली मैं, इतनी गर्मी थी। और दिन बताऊँ मैं केकरा करती रोटी पोते वक्त, जैसे रोहित गरम गरम रोटी दू थी तो एसी के कमरे में आया करती ना, जी सा जाया करता, तो जो पसीने आते गैल की गैल सूख लेते। और आज यह जब तक लाइट जा रही है ना, इतना बुरा हाल हो रहा है, बस पूछो मत। ये सारा काम निपटा के बैठी हूँ, मैं एक बार पसीने आ लेंगे, दोबारा बार बार नहीं। रोटी भी बन गई, स्लिप भी ठीक हो गया, साफ हो गया मतलब, और बर्तन भी कर दिए मैंने। अब मेरा किचन का काम सारा ख़त्म हो गया, एक्सेप्ट खाना खाना है। इब तुम कहोगे जब तू माड़ी हो रही है, हमने शाम को कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत, इसलिए अभी भूख नहीं लग रही, पर मैं खाऊंगी जरूर, पिंकी प्रॉमिस। और एक और बात यार, आज पापा का स्पेशली फ़ोन आया कि आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा मेरे को, और व्लॉग वही जिसमें हम मैंने फोटो दिखाया और हम भूत बन के सबको डरा रहे थे, जिसमें शालू ने मतलब चुड़ैल की आवाज़ निकाली। इतना प्यारा व्लॉग बना है वो, इतनी अच्छी उसकी एडिटिंग, इतने अच्छे उसके कमेंट, और मैं ये सोचूँ ये व्लॉग चला क्यों नहीं। एक बार वो कमेंट, एक बार अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है ना, तो उस इससे जस्ट पिछला ही व्लॉग है, एक बार व्लॉग जरूर देखना और मेरे को बताना व्लॉग में कमी क्या है। मतलब इतना फनी एलिमेंट उसमें, सब कुछ ऐसा। कई बार ऐसा होता है जो हम व्लॉग सोचते हैं ना बहुत ज्यादा चलेगा, और वो चलता ही नहीं, पता नहीं रीजन क्या है। अगर उस व्लॉग में कुछ कमी है तो मेरे को जरूर बताना कि कहाँ दिक्कत है। और अभी मैं पूरे पसीने में हूँ ना, वरना आपकी बार मैंने सोच रखी थी जो मेरे सूट आ रखे हैं वे मैं पहन के दिखाऊंगी इसे हैं, पर कोई ना, जब भी प्रोग्राम तीज का तो दिखे जाएगा येल्लो, ये मैं पहनूंगी तीज ने, और दूसरा जब मौका लगेगा तब पहन के दिखा दूंगी, तो लुक का भी पता चल जाएगा आपको। आज क्यों शो में सब अपना ध्यान रखे है ना, तू मेरे तेन बता दी इतना, तू अपना वेट गेन करने के लिए क्या कर रही है। वेट गेन ऐसे नहीं होता कि मैं दो की जगह चार रोटी खाने लग जाऊं। होता है कि सोचते रहो कि मेरा वेट गेन हो जाए, ऐसे होता है ना। मेरा गर्मियां में वेट क्या खाया सुबह? अरे फूंक दे गर्मी ने। तू क्या बात कर रहा है यार, गर्मियां सुबह वेट मत दिया कर। मैंने तीन रोटी खाई सुबह, ठीक है, फिर मैंने घेवर खाया, फिर मैंने रात शाम ने वो स्नैक्स खाए, हाँ क्या, और दूध पिया ठंडा ठंडा, और एक दो बार गर्म चाय पी सुबह कति उठते। और चाय तो वेट बढ़ेगा, चाय तो वेट क्यों बढ़ेगा, मैं तो गिनवाऊं मैंने क्या खाया पिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो नहीं करो ना गाइस, इसकी डाइट देख ले इस तरह की है डाइट इसकी। ये तो मुंह बना रहा था 5 मिनट पहला, अरीब डॉक्टर लग रहा है। और मैंने सही है, नया फोन बुक कर दिया है आज। कौन सा? 15 प्रो, मतलब न्यूयॉर्क में बुकिंग स्टार्ट हो गई है भाई आईफोन की। हां रिलीज वो हुआ भी नहीं है, लॉन्च और बुकिंग है, बंदा देखिए मेरा सर्व तो बंदा बुक करवा दिया भाई अपना। ईसाई तू बुक करनी है, ईसाई वाय बुक करनी है, बेरा ना की गलत इंसान का फंस रहे हो तुम, कदे कोई पीछे लेके वो कर दे। पर मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ इस चीज के बारे में, सीरियसली। और मैं इस चीज के बारे में बहुत गुस्सा हूँ। ये ना पैक का मारवा है हफ्ते में, देख लिए कित पैक का मारेगा, देख लिए। मेरा तो बस जिम जान का वो, जिस दिन जिम चला गया उधर अपने आप ठीक होता है, मैंने अपनी कोई टेंशन नहीं। वो दिन कब आएगा प्रियतम? प्रियतम चैलेंज दे मेरे को,
अगले 10 दिन का चैलेंज है, तू अपना वेट गेन कर और मैं अपनी फिटनेस ले आऊंगा। चैलेंज एक्सेप्ट कर, चैलेंज एक्सेप्ट कर, चैलेंज एक्सेप्ट कर इस कैमरे के आगे। तो गाइज आज है तारीख 17, 10:53 हो रहे हैं, आज से 10 दिन का चैलेंज है ये। मैं अपनी फिटनेस लेके आऊँगा और ये अपना वेट गेन करेगी, ठीक है। देखते हैं कल उठते हैं जिम में, दस ये आबादी पक्की है कि नहीं कराना पर आज जी हो रही है। रोहित लिखो आगे, देखिए बिंदी सही लगी बीच में, मैं ना बताऊँ उतर गई थे हाथ लग के। ये भी आड़ लग रही है, आड़ यार री मैंने हाथ लगा के देख लिया। दूसरी याद है क्या है सच में, यहाँ नहीं है गर्मी, लाइट कब आओगी? लाइट आओगी जब तू हाथ जोड़ लेगी 3 बार कट्ठे, 3 बार हे भगवान ना बोलना था, क्या बोलना था, बस हाथ हाथ जोड़ने थे, इवन आओ लाइट। गर्मी में बुरा हाल हो लिया सही में, इवन आओ लाइट करने का आत्मा ते आ जाएगी लुमार पूरा मारना था ना लग गया। तो गाइस देख लो कनिका निरिकल मस्ती कर सके है पर अपनी डाइट नहीं लिख सकती, डट जिया ना अपने प्रांगनाथ का मारना लग रही। समझो गाइस प्रांगनाथ, चल ठीक है बाय बाय कर दे कोरा करता तेरी चल लगी। अच्छा तुम कहो तो हम व्लॉग स्टार्ट करें, तुम कहो तो हम बैठे, तुम कहो तो हम लेटे, तुम कहो तो हम खड़े हो, तुम कहे तो हम खाना खाएं, तुम कहो तो हम चले। अमिताभ से डालो भाई, अमिताभ से नहीं कहता मूवी में। तो गाइस कमेंट करके बताओ ये मूवी कौन सी है। पसीने रोहित तेरे फॉरहेड पे कितने हैं कनिका, ये वो है क्या है? मैं तेरे लिए गर्मी में बैठा हूँ। तो सूट ना चेंज कर ले यार, इतनी रात ने पहन रही। व्लॉग एंड करूं ठीक है गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। नहीं गाइस नहीं, इसको चैलेंज दे दो कि ये 5 मिनट और बोले। नहीं गाइस दे दो, दे दो गाइस। नहीं गाइस मैं बंद ना करने दूं गाइस, नॉट गाइस छोड़ दे ना हुआ। तो गाइज मेरे साथ है, गाइज मेरे साथ, गाइज मेरे साथ, गाइज मेरे साथ है, गाइज मेरे साथ है। हाँ भाई आज इसका ब्लॉग शेयर कर दो, पिछले कई दिनों से भाई बहुत ही कम ब्लॉग, मतलब व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं। उससे पता है क्या है, देखो बात क्या है, व्लॉग्स पे व्यूज कम से क्या होते हैं, डीमोटिवेट होता है इंसान, व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता, सिर्फ एक ये रीजन है, व्यूज अच्छे आते रहते हैं मन खुश रहता है। कर देंगे शेयर, मैंने कह दिया इस बार, तो गाइज प्लीज शेयर कर देना भाई, देख लियो तुमने तारी माँ की, सब ने शेयर करना है व्लॉग, ठीक है। चाहे मेरा मत देखियो भाई, चल चल ऐसे मत, इसका देख लियो पर कर दिया भाई शेयर, ठीक है। अगर आप शेयर करोगे सारे तो मैं एक बढ़िया सा प्रैंक लेके आऊंगा, देख लेना जित करने का, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।